Subscribe and press the bell icon for latest update. उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से नाराजगी के दर्द को बयां करते हुए सचिवालय में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने साफ तौर पर दो टूक कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता की पार्टी नहीं है बल्कि अब सिर्फ और सिर्फ गुटबाजी की पार्टी रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में यदि बेहतर तालमेल होता तो वह कांग्रेस से बीजेपी में आते ही क्यों। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए PCCF जयराज को जिम्मेदारी दिए जाने की मुख्यमंत्री की स्वीकृति की भी घोषणा की। आपको बता दें कि वन मंत्री हरक सिंह रावत ने केंद्र सरकार में डेपुटेशन पर गए इंडियन ऑयल में डॉक्टर विनोद सिंगल की जगह भूमि ट्रांसफर मामलों के नोडल अधिकारी अनुप मलिक को बनाए जाने का भी दावा किया। अनुप मलिक मौजूदा समय में जायका प्रोजेक्ट की कमान संभाले हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों से बेहतर तालमेल होने का दावा करते हुए बताया कि उनका सभी मंत्रियों से एक अच्छा सामंजस्य स्थापित है। सरकार के 10 महीने के कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री लगातार काम कर रहे हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।